हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन लोग 11th क्लास का चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अनसोल्व न्यूमेरिकल चल रहे थे, पिछले वीडियो में क्वेश्चन 7 तक कर चुके थे, अब क्वेश्चन 8 और उसके आगे करेंगे। एक ज़रूरी बात कि जब भी आप वीडियो अटेंड करते हो, आपके पास में स्टडी मटेरियल होनी चाहिए, पीडीएफ नोट्स होने चाहिए। पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस लिंक को टैप करके आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। एक और ज़रूरी बात कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर तीन कारों की बात करिए। कार ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रही है, कार बी थोड़ा तेज चल रही है, कार ए धीमा धीमा चल रही है, ठीक है, और कार सी सामने से आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट चल रही है, तो पक्का कार सी कार ए के पास पहले पहुंच जाएगी, अपोजिट चल रही है इसका इसकी वजह से, ठीक है। और कार बी जो है पीछे छूट जाएगी, लेकिन कार बी वाला ऐसा चाहता है कि मैं पहले ओवरटेक कर लूं, कार बी वाला ये चाहता है कि मैं पहले पहुंच जाऊं कार ए पर, ठीक है। ये इनका टी टाइम जीरो पर ये कंडीशन है, शुरू में ये कंडीशन है। कार सी और कार ए के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और बी और ए भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस दोनों के बराबर है, ठीक है। यदि ये इसी स्पीड से चलते रहे तो पक्का कार सी पहले पहुंचेगा, क्योंकि अपोजिट जा रहा है। ये कार सी वाला कार ए को पहले अप्रोच कर लेगा, लेकिन बी कार वाला चाहता है कि मैं पीछे नहीं रह जाऊं, मैं पहले ओवरटेक करके और ए से ए को ओवरटेक कर लूं। और ये कंडीशन बता रही कि टाइम टी पर, टी का वैल्यू भी पता करेंगे, क्या किया, कार बी वाला पहले पहुंच गया कार ए पर, कार सी से पहले पहुंच गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली कार बी वाले को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पहले पहुंचेगा ए पर, ठीक है। अब करते हैं अपन लोग, इनके वैल्यूज गिवन है आपको, ये डेटा आप देख लो, इनको किलोमीटर पर आर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया कैसे करते हैं, सब आपके सामने है। कार सी के मोशन की बात करते हैं। कार सी का मोशन है विद रिस्पेक्ट टू कार ए, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी सी ए इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। 15 पर प्लस क्यों आया और 10 पर माइनस क्यों आया, दोनों पर साइन अपोजिट क्यों है, क्योंकि दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, ए और सी अपोजिट मूव कर रहे हैं, इसलिए दोनों पे साइन अपोजिट आएगा। और ये बीच में माइनस साइन क्यों आ रहा है, ये तो फॉर्मूले में आता है, रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में। इस तरह से ये कार सी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये टाइम कौन सा है, कार सी को कार ए तक आने में लगा टाइम है, और यही टाइम कार उतने टाइम में कार बी वाला कार ए तक आना चाहता है, ठीक है। वो टाइम कैलकुलेट कर लिया अपने, आ गया 40 सेकेंड। आपके माइंड में आ रहा होगा कि कार बी तो क्वेश्चन में गिवन है कि कार बी वाला तो पहले पहुंचना चाहता है, तो ठीक है, कार सी वाला कार ए पर पहुंच जाएगा 40 सेकेंड में, और कार बी वाला ए पर पहुंच जाएगा 39.999 सेकेंड में, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा पहले नहीं पहुंचना चाह रहा, वो जस्ट पहले पहुंचना चाह रहा है। तो बी वाला यहाँ से ले, कार बी वाला इस कंडीशन से इस कंडीशन में आएगा, वो भी 40 सेकेंड है, और कार सी वाला इस कंडीशन में आएगा, वो भी 40 सेकेंड है। टाइम टेकन दोनों का सेम है, ठीक है। टाइम टेकन कैसे निकाला अपन ने, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। दोनों डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी अपन लोग कार सी का ले रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पूरा क्वेश्चन जो है वो कार ए के रेस्पेक्ट में है, हर एक वेक्टर क्वांटिटी जो इसमें अपन ने ली है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वो कार ए के रेस्पेक्ट में है। पूरा क्वेश्चन को अपन लोग कार ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सारा डेटा अपन ने कलेक्ट किया और उसके बाद में कार ए के रेस्पेक्ट में अपन ने मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ये कार सी यहाँ से यहाँ चल के यहाँ आ गई, और कार ए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आ गई, यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई। इन दोनों ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया एक दूसरे के रिलेटिवली,
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था इनिशियल 1000 और अब हो गया जीरो। दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस इनिशियली 1000 है और बाद में हो गया जीरो, तो उन दोनों का एक दूसरे के रिलेटिवली डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा 1000 माइनस जीरो। ठीक है, शुरू में डिस्टेंस 1000 था, बाद में जीरो हो गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 माइनस जीरो यानी 1000। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 और वेलोसिटी है 25 40 सेकंड आगे। अब आप कार बी के मोशन की बात करेंगे जो एक्चुअली फाइनल आपको करना है। यहां से कार सी का मोशन की बात क्यों करें, यहां से तो अपने केवल टाइम निकाला कि कितना टाइम मिल रहा है कार बी को ए तक अप्रोच करने के लिए। टाइम अवेलेबल है 40 सेकंड। 40 सेकंड में कार बी वाले को कार ए के पास आना पड़ेगा। कार बी का वेलोसिटी कितना है, यू बी माइनस यू ए। कार बी का वेलोसिटी है ए के रेस्पेक्ट में यू बी माइनस यू ए। इन दोनों का साइन प्लस सेम क्यों है, क्योंकि दोनों की मोशन सेम डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों पर साइन प्लस का है। और ये बीच में माइनस क्यों है, ये तो फॉर्मूले में आता है। तो आपका आ गया वेलोसिटी 5। ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इस इंस्टेंट का वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है जब ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, इसलिए ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये u है, u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद में तो इसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, देखो सबके रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन सबके फॉर्मूले होते हैं इसी तरह से होते हैं। ठीक है, यू बी ए बी माइनस ए ए, कार बी वाले का एक्सेलरेशन सपोज ए है और वही तो पता करना है, और कार ए वाले का एक्सेलरेशन तो जीरो है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, केवल कार बी वाला एक्सेलरेट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इनका भी 1000 है, क्यों, बी और ए, ए और बी के बीच में डिस्टेंस इनिशियली कितना है 1000 मीटर है, और इस इंस्टेंट पर दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया जीरो, तो 1000 से जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट 1000 हो गया। ठीक है, नाउ फाइनल स्टेप, फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहां पे पूरा इक्वेशन को आपने किसके लिए लिख रहे हो, आप हर चीज डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कार बी का है और ए के रिस्पेक्ट में है, इसलिए सब डेटा पुट कर दिया और ए का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डायग्राम को समझिए पहले। दो लेन है, दो रोड है और दो टाउन्स को वो ज्वाइन कर रही है, टाउन बी एंड टाउन ए, इनके बीच में बस सर्विस लगी हुई है। ठीक है, इधर से B2 बस और एक नहीं कई सारी हैं, B2 बसेस इधर जा रही हैं खूब सारी, एक के बाद एक। ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल बाद में वो बस स्टैंड से निकलती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है वो, और ऑपोजिट साइड से भी इस टाउन से भी B1 बस सर्विस आ रही है। ठीक है, इधर वाली बस जो आ रही है उनको B1 नाम दे दिया मैंने, और ये वाली जो बसेस आ रही है उनको मैंने नाम दे दिया B2। दोनों बसेस का वेलोसिटी सेम है और एक बस का दूसरे बस से जो डिस्टेंस और इस बस का इससे जो डिस्टेंस वो भी सेम है, क्योंकि समान टाइम इंटरवल बाद में वो बस स्टैंड से निकलती है और समान वेलोसिटी से चल रही है, तो सबका जो बसेस के बीच का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और वो उसको मान अपन ने अब अज्यूम कर लिया डी। एक साइकिल वाला और है, वो एक टाउन से दूसरे टाउन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो साइकिल वाले को आगे से अपोजिट डायरेक्शन से भी बसेस क्रॉस कर रही है और पीछे से भी बसेस क्रॉस कर रही है उसको। ठीक है, सामने से जो बसेस आ रही है वो एक बस हर 6 मिनट बाद में क्रॉस करती है उसको, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो बसेस आ रही है वो जल्दी जल्दी निकल रही है। ठीक है, और पीछे से जो बस जा रही है वो हर एक 18 मिनट बाद एक बस जा रही है, फिर उसके 18 मिनट बाद में नेक्स्ट बस आएगी, फिर उसके 18 मिनट बाद नेक्स्ट बस आएगी, और सामने वाली बस 6 मिनट में क्रॉस कर रही है।
ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको पता करना है जो भी सामने आ जाएगा, सबसे पहले अपन लोग रिलेटिव वेलोसिटी बी वन बस का सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों पे साइन अपोजिट क्यों आया, क्योंकि साइकिल और बस बी वन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन अपोजिट तो साइन अपोजिट। तो ये आ गया वी बी प्लस 20। वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस जो कि पता करना है। बी टू सी, वी बी टू सी यानी कि बस बी टू का वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में, ये आ गया वी बी माइनस 20। दोनों पर प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, साइकिल इधर चल रही है और बस बी टू भी इधर चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों पर साइन पॉजिटिव। तो वी बी टू सी का वैल्यू आ गया वी बी माइनस 20, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है टाइम, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट किसका, बस बी वन का सी के रेस्पेक्ट में। बी वन और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, इनिशियली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक है, और जब वो क्रॉस कर जाती है तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। तो दो चीजों के बीच में डिस्टेंस डी है, डी के बाद में जीरो हो जाता है, तो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा डी, ठीक है। और वेलोसिटी बी वन सी का वैल्यू वी बी प्लस 20। टाइम का वैल्यू आपको गिवन है 6 मिनट, उसको आर में कन्वर्ट किया और इस तरह से ये इक्वेशन बना गया। अगेन ये बस बी टू के लिए किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। और टाइम गिवन आपको 18, उसको मिनट में कन्वर्ट, मिनट को आर में कन्वर्ट किया अपॉन 60। ये इक्वेशन 2, 1 एंड 2 इनको सॉल्व किया तो आपका वी बी का वैल्यू आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस यानी कि बसेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, बसेस का बीच का डिस्टेंस आ गया 6 किलोमीटर। ये टाइम क्या है, इसको ध्यान से सुने, ये टाइम कौन सा वाला है, दिस इज टाइम आफ्टर विच ईच बस प्लाई फ्रॉम द बस स्टैंड। बस स्टैंड से कैपिटल टी टाइम बाद में बस निकलती है, उसके कैपिटल टी टाइम बाद में नेक्स्ट बस निकलती है, उसके कैपिटल टी टाइम बाद में नेक्स्ट बस निकलती है, ये वो टाइम है, ठीक है। तो हर टी टाइम बाद में बस निकल रही है, उस टी टाइम में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बी, यानी कि बसेस के बीच का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस इन टाइम कैपिटल टी, और बस की स्पीड है वी बी। इससे आपने ये निकाल लिया कि कितने टाइम बाद में बस स्टैंड से बस निकल रही है, दो बसेस के बीच का टाइम इंटरवल है ये 9 मिनट आ गया, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, इसमें देखिए एक बॉडी है, उसको यू वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी उसकी स्पीड डाउन होती जाएगी, ये एक्स की वैल्यू लिखी है, ठीक है ना, इनको मत देखो अभी। तो अपवर्ड थ्रो किया, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है। बच्चों एक्सेलरेशन कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, ये फॉर्मूला ये बता रहा है आपको कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है, बिल्कुल डेड श्योर है, इसको आप याद रखो हमेशा के लिए। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स बॉडी पर कौन सा है, केवल और एकमात्र फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। वो एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका फोर्स का वैल्यू पुट करके आता है gm/r², जिसका वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू
अपवर्ड मोशन में कितना होगा, डाउनवर्ड मोशन में कितना होगा, टॉप पर कितना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन का वैल्यू तो हमेशा हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बना रहता है सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पर इतना है, अर्थ और टॉप पर उतना है, ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 रहता है, चाहे बॉडी को अपवर्ड थ्रो करो, डाउनवर्ड थ्रो करो, मत थ्रो करो, कुछ भी करो, ए का वैल्यू थोड़ी चेंज होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स बना रहता है। टॉप पॉइंट पे जब वो बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है, टॉप पॉइंट पर उसका स्पीड यानी वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज होते 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 टॉप पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है और उसके बाद में वो रिटर्न होती है। इसको याद रखते हो तो ठीक है, आपको कॉमन सेंस में आता है तो बहुत अच्छी बात है। टेक्निकली ऐसे देखो कि वर्क का फॉर्मूला होता है ये, और इसमें फोर्स है डाउनवर्ड्स, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो दोनों अपोजिट हैं, कॉस 180 इन दोनों के बीच में एंगल है, तो जो भी कुछ वर्क आएगा वो नेगेटिव होगा। और बच्चों वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन, तो वर्क का साइन नेगेटिव है तो डेल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का साइन भी नेगेटिव होगा। किसी भी चीज का चेंज नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब याद रखिए कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो मतलब वो जो फोर्स है उस बॉडी के मोशन को, कि काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जिधर बॉडी चल रही है उधर ही फोर्स लग रहा है, तो एंगल जीरो होगा, वर्क पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। इसीलिए डाउनवर्ड्स मोशन में काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड डिक्रीज होती हुई आती है, इंक्रीज होती हुई आती है, ठीक है। तो ये बात है, तो लॉजिक से ऐसे समझ लो, नहीं तो आप समझते हो कि कोई भी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी इस वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाती है टॉप पर और रिटर्न होती है, और फिर डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी वापस इंक्रीज होती होती जाती है, और अर्थ के ग्राउंड पर आते आते उसकी वेलोसिटी वापस उतनी ही हो जाती है जितनी वेलोसिटी उसको थ्रो किया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपको पूछा है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको आप लेट कर लीजिए, सपोज कर लो ओरिजिन है, पोजीशन का भी ओरिजिन है और टाइम का भी ओरिजिन है, वहां पर एक्स का वैल्यू भी जीरो है और टाइम का वैल्यू भी जीरो है, ठीक है। टाइम का वैल्यू जीरो को होने को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ टाइम, पोजीशन वैल्यू एक्स का वैल्यू जीरो का मतलब होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ पोजीशन। क्वेश्चन में गिवन है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लो, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है जीरो, और यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये एक्स की वैल्यूज है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू डाउनवर्ड्स इंक्रीज हो रहा है, बॉडी अपवर्ड तो जा नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, लेकिन बॉडी इस एरिया में जा नहीं रही है, तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्स का डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम किया, एक्स का वैल्यू प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, तो ये फंडामेंटल है, वेलोसिटी के डायरेक्शन एग्जैक्टली बोलें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी की बात करते हैं वो अंडरस्टूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों मोशन की डायरेक्शन में होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है जो कि हमेशा हमेशा डाउनवर्ड्स है। एक्सेलरेशन कौन सा एक्ट कर रहा है इधर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स होती है। एक्सेलरेशन डायरेक्शन को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि अपवर्ड मोशन में किधर होगी तो डाउनवर्ड में किधर होगी, टॉप पॉइंट पे किधर होगी, बॉटम पर किधर होगी, हमेशा हमेशा इसकी वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, डाउनवर्ड्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना।
जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी अपवर्ड है, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन में होता है। बॉडी का मोशन अपवर्ड है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, बॉडी का मोशन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, ये बात। तो फाइनली बात करें कि इन तीनों के साइन क्या हैं। एक्स का साइन कैसा है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्स नीचे जा रहे तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जीरो से जब आगे चलते हैं तो इंक्रीज होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, तो एक्स डाउनवर्ड मोशन में एक्स का वैल्यू आ रहा है प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, यानी कि एक्स का साइन कैसा है? प्लस। अपवर्ड मोशन में एक्स का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे? प्लस फाइव, प्लस फोर, प्लस, अभी भी पॉजिटिव ही है। तो डाउनवर्ड मोशन हो चाहे अपवर्ड मोशन हो, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही आ रहा है, एक चांस की बात। यदि ये पॉइंट बी से ऊपर जाता है तो नेगेटिव होता, लेकिन पॉइंट बी तो टॉप मोस्ट पॉइंट है, बी से ऊपर तो जाएगा ही नहीं बॉडी, तो चाहे इधर मोशन कर रहा है चाहे उधर मोशन कर रहा है, एक्स का वैल्यू, एक्स का साइन पॉजिटिव होगा। हाँ, एक्स का वैल्यू इधर इंक्रीज हो रहा है और अपवर्ड मोशन में एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रहता पॉजिटिव है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है पर हमेशा पॉजिटिव रहता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन, जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव लेंगे, जब बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम किया है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है तो एक्सेलरेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये लेट करेंगे तो, दिस इज सपोज्ड बाय द क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव आप होती है, आपने अज्यूम किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव आपने अज्यूम करी है तो ये होता ही डाउनवर्ड है हमेशा, तो इसका साइन अपवर्ड मोशन चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, कोई सा भी मोशन हो, इसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा एक्सेलरेशन का। बच्चों, इसका डी क्वेश्चन है, इसके अंदर हाइट, टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट पता करनी है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन अप्लाई किया, यूज किया, इसमें जर्नी ए टू बी बात कर रहे हैं, ए टू बी फाइनल पॉइंट है उसका बी, फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो, पॉइंट बी पर वेलोसिटी होगी जीरो। ठीक है ना, ए टू बी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 29.4 स्पीड से थ्रो किया इसको, एक्सेलरेशन 9.8 है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने एच बोल दिया जो कि पता करनी है, आप मत बोलो एच को, एस रहने दो, एस भी रहने दो। अभी एक चीज बाकी है, साइन लगाना। ठीक है, सपोज आप इस वाले ऑप्शन का जो साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, ये जूम ये लेट करके चल रहे हो तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लेट किया है तो यहां पर प्लस आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एच का साइन आपका नेगेटिव आएगा, एच का साइन नेगेटिव आने का मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, नेगेटिव का मतलब अपवर्ड। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ चलते हैं तो नेगेटिव का मतलब अपवर्ड, ये तो ऑब्वियसली अपवर्ड तो जा रही है, तो आपको कोई टेंशन नहीं करनी, नेगेटिव साइन आ गया तो। एक और काम कर सकते हैं, इस ऑप्शन का जो साइन कन्वेंशन है उसको छोड़ दो, नया साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, अपने जो साइन है वो इस डी ऑप्शन के अंदर नए वाले यूज कर सकते हैं अलग से। क्या? मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, वेलोसिटी की डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है, और अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेट कर लेता हूं तो अब की बार यहां पे साइन पॉजिटिव आ गया और इस पे नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है और आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम किया तो इस पर माइनस का साइन आ गया। अब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो आपकी बार पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड, क्योंकि आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लेट किया, तो आंसर में कोई मिस्टेक नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, टाइम कैलकुलेट करना है,
तो आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज किया, इसमें फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर वेलोसिटी जीरो, और ये वैल्यूज पुट करें। यहाँ भी आप लोग साइन अभी लगाना बाकी है, साइन पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, इनके साइन जो भी कुछ यूज करोगे आपस में अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि ये अपवर्ड है, यू अपवर्ड है और ए डाउनवर्ड है, तो दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए चाहे कुछ भी यूज करो, फिर आंसर में मिस्टेक नहीं आएगी। तो इससे जो टाइम आएगा बच्चों, वो टाइम आएगा टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है कि आफ्टर व्हाट टाइम द बॉडी विल रिटर्न, ठीक है, तो जितना टाइम ऊपर ले जाने में उतना ही टाइम में बॉडी नीचे आएगी, ठीक है, तो आपको इस टाइम जो आएगा इसका डबल करना पड़ेगा तब जा करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये है ए से बी तक जाने का टाइम, और बी से लेके ए तक में भी उतना ही टाइम लगेगा, दोनों को ऐड करेंगे यानी कि डबल करेंगे तब आपका टाइम आएगा। क्वेश्चन में ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है नेगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये गिवन नहीं भी होता तो भी अपने को मजबूरन अज्यूम करना पड़ता है कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बारे में सुनो बच्चों कि यदि एयर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक मेटल का बॉल है या कोई कॉइन है या पत्थर है, ठीक है, उसको थ्रो किया आपने, तो उसके ऊपर कंपैरेटिवली एयर का रेजिस्टेंस कम लगेगा। लेकिन आपने कोई रुई का गोला फेंका, कॉटन का एक बॉल है, कॉटन का गोला फेंका, आपने हैंडकरचीफ फेंकी ऊपर की तरफ, तो जाते टाइम तो वो स्ट्रेट और फटाफट जाएगी, लेकिन आते टाइम वो लहराते हुए आएगी, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस उसको जाने नहीं देगा। अपवर्ड मोशन में उसको फटाफट से रोक देता है एयर का रेजिस्टेंस, और नीचे डाउनवर्ड्स आते टाइम उसको वो एयर का रेजिस्टेंस आने नहीं देता, टाइम एलोंगेट कर देता है उसका। तो एयर का रेजिस्टेंस यदि होता तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में टाइम कम होता, डाउनवर्ड मोशन में टाइम ज़्यादा लगता, क्योंकि वो धीमे धीमे बॉडी आती, तैरती हुई बॉडी आती, आप ऐसे कह सकते हो कि बॉडी को तैरते हुए आना पड़ता, ठीक है ना, एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.11 में एक ऐसा एग्जांपल सजेस्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन में कि जब बॉडी रुक गई है लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी है। अजीब लगता है सुनकर के कि जब वेलोसिटी जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, लेकिन दोनों कनेक्टेड नहीं है, एक्सेलरेशन का कनेक्शन फोर्स से है और वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो भी सकती है, ठीक है, फोर्स लग रहा है बॉडी पर और वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो भी सकती है। एग्जाम्पल है जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, अपवर्ड थ्रो करते हो, तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती हुई जा रही है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी जीरो जाती है, लेकिन फोर्स थोड़ी जीरो हो गया, तो फोर्स कंटिन्यू है तो एक्सेलरेशन भी लगना कंटिन्यू होगा। एक्सेलरेशन तो हमेशा 9.8 रहता है उसके अंदर, कभी भी वो कम ज़्यादा वगैरह नहीं होता, एक्सेलरेशन तो लगातार उस पर 9.8 लग रहा है, नॉन जीरो है, लेकिन उसकी वेलोसिटी अपवर्ड मोशन में धीरे धीरे डिक्रीज होते होते तो जीरो होती है और फिर वापस वो रिटर्न होती है। तो एक वर्ड में बोल रहा हूँ बार बार, रिटर्न, पिछले दोनों क्वेश्चन से, कि जब भी बॉडी रिटर्न होती है, ठीक है, एक बॉडी मोशन में है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो चलते चलते बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट पे आकर के उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और रिटर्न होगी। जब भी ये एक्शन होगा रिटर्न, तब ये कंडीशन होगी, स्पीड जीरो हो जाएगी लेकिन वो एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स तो होगा, फोर्स भी होगा एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। इसको अपन लोग टेक्निकली ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी फोर्स और वेलोसिटी या तो अपोजिट हो या उन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस, थीटा 90 हो, तो वेलोसिटी और फोर्स, जो बॉडी पर फोर्स एक्शन कर रहा है, जो उस वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वो फोर्स यदि अपोजिंग नेचर का है, अपोजिंग नेचर का मतलब उन दोनों के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस है, जिधर बॉडी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो पक्का वर्क
नेगेटिव होगा क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूस, तो कॉस थीटा नेगेटिव होता है, थीटा ऑब्ट्यूस का मतलब नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और वर्क के फॉर्मूले में एफ एस कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। वर्क नेगेटिव होगा का मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो आप टेक्निकली उसको ऐसे भी देख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना, कॉमन सेंस से भी और फॉर्मूले पर बेस्ड आंसर दोनों का सेम आ रहा है कि जब भी फोर्स बॉडी को अपोजिंग नेचर का है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी की स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते 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 वो एक रिटर्निंग पॉइंट पर जीरो हो जाएगी, और रिटर्न और जिस जगह पर बॉडी रुक गई है यदि फिर फोर्स का लगना बंद हो जाएगा, यदि फोर्स का लगना बंद हो जाए बॉडी रुक जाए तो वो बॉडी रुकी ही रह जाएगी, जैसा कि फ्रिक्शन में होता है, कोई बॉडी चल रही है फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, और फ्रिक्शन उसको अपोज करता है वेलोसिटी को डिक्रीज करते करते बॉडी को रोक देता है, लेकिन जैसे ही बॉडी रुक जाती है फ्रिक्शन का लगना बंद हो जाता है तो बॉडी रुकी रह जाती है। लेकिन ग्रेविटेशन में इनमें ऐसा नहीं होता, ग्रेविटेशन का फोर्स तो हमेशा लगता रहता है, तो यदि वो फोर्स फिर भी कंटिन्यू रहता है बॉडी के रुकने के बाद भी, बॉडी के रुकने के बाद भी यदि फोर्स कंटिन्यू रहता है जैसा कि ग्रेविटेशन में होता है तो फिर बॉडी रिटर्न होगी, ठीक है, बॉडी रिटर्न होगी। तो मतलब है कि रिटर्न रिटर्निंग पॉइंट पे, फाइनल स्टेटमेंट, रिटर्निंग पॉइंट पे ऐसा होगा, जब भी ऐसा कोई एक्शन होगा बॉडी जाकर के वापस लौट रही, रिटर्निंग पॉइंट पर ऐसा होगा, ठीक है, वेलोसिटी तो रुक जाएगी, वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी होगी और एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहेगा, नॉन जीरो होगा। एग्जांपल, अभी एग्जांपल दिया अपन ने अपवर्ड मोशन में टॉप पॉइंट पर, ठीक है, पेंडुलम में जब बॉडी ऑसिलेटरी मोशन कर रही है तो यहाँ पर एक, ये कौन सी जगह पर रिटर्न हो रहा है, एक्सट्रीम्स पर, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है लेकिन फोर्स यानी एक्सेलरेशन लगना कंटिन्यू रहता है, तभी तो वो उसको रिटर्न कर पाता है, और ये दोनों ही ऑसिलेटरी बॉडी के एग्जांपल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बी ऑप्शन, इसके अंदर भी कुछ फंडामेंटल बातें हैं, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसके लिए कुछ फंडामेंटल अपन लोग ठीक करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक ही बात है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, अपने नोट्स के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड ही होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होती है, बस दोनों में डायरेक्शन का फर्क है, इस के बाद डायरेक्शन होती है, ये इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती है, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बिल्कुल एक ही चीज है। लेकिन स्पीड एवरेज की बात करें तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्वाइट डिफरेंट, ठीक है ना, बिल्कुल अलग अलग है। एवरेज वेलोसिटी किसी जर्नी का जीरो हो सकता है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जर्नी भी हो रही है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, बॉडी लौट करके अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है किसी जर्नी में, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। लेकिन किसी जर्नी के अंदर एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी, क्यों, जर्नी हुई है तो डिस्टेंस तो कवर होगी ही, ठीक है, ये वी एवरेज का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम भी लगा होगा और डिस्टेंस भी कवर हुई होगी, तो डिस्टेंस कभी जीरो होती नहीं है, तो वी एवरेज कभी जीरो नहीं होता, यदि जर्नी हुई है तो एवरेज कुछ ना कुछ उसकी भी एवरेज स्पीड होगी ही होगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये कह रहा है कि यदि ये जीरो है तो वो भी जीरो होगा क्या, नहीं, यदि एक जीरो है तो दूसरा भी जीरो होगा, यदि एक जीरो नहीं है तो दूसरा भी जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3.11 का सी पार्ट, देखो बच्चों पहले अपन लोग थोड़ा फंडामेंटल की बात करते हैं। इस तरह से कोई बॉडी मूव कर रही है, पाथ स्ट्रेट है और उसकी स्पीड 10, 20, 30 स्पीड वेरी कर रही है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है,
यहां पे स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, यानी कि दो चीजें हैं। आप ये समझते हो कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास में दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं स्पीड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोलते हैं स्पीड, और उसके पास डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पे डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्ट्रेट पाथ है, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चों। कर्व्ड पाथ है, पाथ कर्व्ड है, सर्कुलर होना जरूरी नहीं है, आपको सर्कुलर दिख रहा होगा कोई जरूरी नहीं, सर्कुलर नहीं है, कर्व्ड पाथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पल। डायरेक्शन अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, फिर इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। किसी भी कर्व्ड पाथ के अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है, तो लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी कर रहे हैं। बच्चों फंडामेंटल बात देखिए कि जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी करता है, यानी कि स्पीड वेरी करती है, उससे जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इस कंडीशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वो जीरो है, ठीक है। यहाँ पे एटी जीरो और एसी भी जीरो है, यहाँ पर दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, न डायरेक्शन और न मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एसी का वैल्यू जीरो है, एटी का वैल्यू जीरो है क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है ना। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे यस, ठीक है। कब? कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी चल रही है कर्व्ड पाथ में, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन तो होगा, कौन सा वाला? सेंट्रिपिटल, ठीक है ना। ये बात ऑप्शन डी को देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है, फंडामेंटल बात है इसके अंदर। एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, नीचे जा रही है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन वो तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, वो भी डाउनवर्ड है। तो जब वेलोसिटी, जब ऐसी कंडीशन होती है जब फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, तो बॉडी स्पीडिंग करेगी, स्पीडअप करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यानी कि फोर्स जो है वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आपने लेट कर लिया पॉजिटिव डायरेक्शन को अपवर्ड। ये तो अपन लोग किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं अपनी इच्छा से, ये अपनी मनमर्जी है। तो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन को अपवर्ड अज्यूम कर लिया, तो अभी फोर्स की भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब सीधी बात यह है कि एक्सेलरेशन के साइन का नेगेटिव पॉजिटिव होने से स्पीड डाउन और स्पीड इंक्रीज और स्पीड के डिक्रीज होने का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। ये बात, स्पीड बढ़ने का और कम होने का कनेक्शन किससे है? कि जब भी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल, फोर्स के डायरेक्शन और एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम होती है, तो जब भी इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल यदि एक्यूट एंगल है, तो वो फोर्स उस वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। यदि एंगल ऑब्ट्यूस है यानी अपोज कर रहा है, एंगल ऑब्ट्यूस है, तो वो
स्पीड को डिक्रीज करेगा, वो अपोज करेगा। तो स्पीड के बढ़ने और कम होने का कनेक्शन जो है इन दोनों की वेलोसिटीज और फोर्स के डायरेक्शन से है, इन दोनों के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव होने से कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव तो आप लेट कर लो, उस हिसाब से होगा। यदि इसकी डायरेक्शन को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेट कर लूँ, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन लेट कर लो, तो क्या होगा? अब ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3.12 देखिए। इस क्वेश्चन में जो बोला उसको डायग्राम में शो करने की कोशिश करिए। पॉइंट ए ग्राउंड से 90 मीटर अबव है, यहाँ से एक बॉडी को रिलीज किया है, ड्रॉप कर दिया, बॉडी नीचे आ रही है। पॉइंट बी पर इसने स्ट्राइक किया ग्राउंड पे, और स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस हुई है, रिबाउंस हुई। लेकिन वापस जब बाउंस होती है तो आप जानते हो कि स्पीड डिक्रीज हो जाती है। वो स्पीड, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती है? वो साउंड, हीट और वो जो बॉडी स्ट्राइक कर रही है उसको डैमेज करने में, कहीं भी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एनर्जी। ठीक है, साउंड के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉइंट बी पर जब ये स्ट्राइक करके वापस बाउंस होगी तब तो उसकी स्पीड 1/10 डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि बचेगी कितनी? 9/10, यानी कि 10% उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, 90% बचेगी। ठीक है, जितने भी स्पीड से ये गिर रहा है 0.9 टाइम्स स्पीड से वापस बाउंस करेगा, तब ये फिर वापस बाउंस करेगा। ठीक है, तो उसका अलग डायग्राम बनाया मैंने, जर्नी बी डैश सी अपवर्ड है, फिर ये वापस नीचे गिरेगा, तब नेक्स्ट जर्नी आ गई सी से डी। पॉइंट डी पर ये वापस स्ट्राइक करेगा, अगेन इसकी स्पीड 0.9 टाइम्स हो जाएगी, ऐसे करके और ये जंप करता रहेगा। ठीक है, कब तक? आपको अपनी जर्नी कब तक चलानी है? मात्र 12 सेकंड तक। ठीक है, 12 सेकंड कब काउंटिंग कब पूरी हो जाएगी 12 सेकंड की, वो देखते हैं। स्टार्ट करें अपन लोग पॉइंट ए से बी की जर्नी में, पॉइंट ए से बी तक की जर्नी में। थर्ड इक्वेशन यूज किया और वी कैलकुलेट कर लिया। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, यानी पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर ये इस वेलोसिटी से आकर के स्ट्राइक करेगी 42 की स्पीड से, 42 की स्पीड से आकर के स्ट्राइक करेगी और 0.9 टाइम्स उसकी स्पीड हो जाएगी। तो पॉइंट बी डैश पर, पॉइंट बी डैश कहां पर है? ये भी फर्श पर ही है, ग्राउंड पर ही है। पॉइंट बी डैश ग्राउंड पर है, यहां पर ही है। 0.9 टाइम्स यानी 37.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस ये बाउंस करेगी। यहां से लेके यहां तक आने में इसको टाइम कितना लगा? सेकंड इक्वेशन में डेटा पुट करेंगे और 4.3 यहां पे टाइम कितना है? 0। ये सारा डेटा मैं इधर डालता जा रहा हूं। पॉइंट ए पर टाइम कितना है? 0। स्पीड कितनी है पॉइंट ए पर? 0। पॉइंट बी पर आते आते टाइम हो गया 4.3। ठीक है, और टाइम हो गया 4.3 और स्पीड गेन कर ली 42। पॉइंट बी पर आते आते स्पीड हो गई 42। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट बी डैश पर टाइम तो 4.3 ही है, क्योंकि पॉइंट बी और बी डैश के बीच में टाइम इंटरवल का बहुत बड़ा गैप नहीं है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ स्ट्राइक करती है तो बहुत ही कम टाइम होता है उसका ड्यूरेशन स्ट्राइकिंग का, होता तो है उसका भी, बहुत कम होता है। तो पॉइंट बी और बी डैश पर टाइम तो सेम है, लेकिन स्पीड 90% डिक्रीज हो गई, 37.8 हो गई। अब आप बी डैश से सी की तरफ चलेंगे। बी डैश से सी वाली जर्नी में स्पीड तो आपकी आ गई है और टाइम टेकन 3.8 है। इस वाली जर्नी में टाइम टेकन कितना है? 3.8 है। तो यहां पर टाइम कितना था? 4.3, और 4.3 के बाद में 3.8 और ऐड कर दिया। 4.3 में 3.8 ऐड कर दिया तो आ गया 8.1। ठीक है, 8.1 हो गया टाइम। ये 3.8 क्या है? बी डैश से सी तक जाने का टाइम है, वो उसमें ऐड कर दिया तो आ गया 8.1। पॉइंट सी पर टाइम कितना है? 8.1।
और स्पीड कितनी हो चुकी है जीरो, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट है, स्पीड जीरो हो चुकी है। अब ये सी से वापस डी पे गिरेगा तो जितनी वेलोसिटी से कोई बॉडी अपवर्ड चलती है, स्टार्ट होती है, उतनी वेलोसिटी से वो वापस आकर के गिरती है। जितनी स्पीड से ऊपर फेंकते हैं अपवर्ड, तो बी डैश की और डी पॉइंट डी की स्पीड सेम होगी। बी डैश की स्पीड कितनी है 37.8, तो पॉइंट डी की भी 37.8 होगी। जितनी स्पीड से बॉडी को फेंकते हैं उतनी से वापस लौट के आती है, ठीक है। तो आपने बोला स्पीड एट डी इक्वल टू स्पीड एट बी डैश इक्वल टू 37.8। पॉइंट डी डैश पर स्पीड अगेन स्ट्राइक करने के बाद में स्पीड हो जाती है 0.9 टाइम्स, तो 37.8 का इसका 9.9 टाइम्स कितना हो गया 34, ठीक है 9.9 टाइम्स 34 हो गए। पॉइंट डी डैश पर स्पीड हो गई 34 और यहां पर टाइम कितना है, सॉरी यहां से यहां तक का टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टाइम ड्यूरेशन है 3.8, तो वापस आने में भी 0.3.8 होगा, तो अगेन 3.88 ऐड करोगे 11.9 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट डी का टाइम कितना है 8.1 में 3. ऐड किया तो 11.9 आ गया। यहाँ का टाइम कितना है 11.9, तो यहाँ का भी टाइम 11.9 होगा, क्योंकि स्ट्राइक में लगा हुआ टाइम तो बहुत 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 कम होता है। तो पॉइंट डी डैश का टाइम भी हो गया 11.8 और स्पीड तैयार है 34। अब आपकी जर्नी तो केवल 12 सेकंड तक ही चलानी है, तो अब सिर्फ 0.1 सेकंड तक की जर्नी और रह गई है। पॉइंट डी डैश से ये स्ट्राइक करके ऊपर चलेगा और यहाँ तक आते आते पूरे 12 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अब केवल इतनी सी जर्नी का काम करना है डी डैश से पॉइंट पी तक। डी डैश से पॉइंट पी तक आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है 0.1 सेकंड, ठीक है ना 0.1, और इनिशियल स्पीड कितना है इसका, पॉइंट डी डैश का स्पीड है 34, तो आपका टाइम स्पीड कैलकुलेट हो गई 33, ठीक है ना। यहां पर 34 है, फिर डिक्रीज होती 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 33 आ गई। आपने क्या किया, इस पूरी जर्नी में टाइम और स्पीड, हर पॉइंट पर टाइम और स्पीड कैलकुलेट कर लिए। अब टी और वी के बीच का ग्राफ बना देंगे। अच्छा, इस डेटा का ये ग्राफ देखें, टाइम का वैल्यू अपन ने 0 से लेकर 12 तक ले लिया और स्पीड का वैल्यू अपन ने 0 से लेकर 42 लिया। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये 0 से 33 इतना सही है, ठीक है, तो स्पीड की वैल्यू 33 से नीचे है ही नहीं, तो अपन उस ग्राफ को मैं हटा दिया अपन ने, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसको नोटिस करो कि जो आपका डेटा है केवल वही मार्क करें ग्राफ के अंदर, ओके। 0 पे 0 फर्स्ट पॉइंट, ठीक है 0 0, सेकंड पॉइंट है 43 42, ठीक है 40, स्पीड 42 और टाइम हो गया 4.3 और ये, ठीक है ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन, दिस इज सेकंड पॉइंट, ठीक है, एंड 3 4 5 6 पॉइंट एंड सेवन पॉइंट, ये आपके इस डेटा के हिसाब से पॉइंट है, ठीक है। इनको ज्वाइन करें और एक्चुअली 0 काफी नीचे है, फिर भी आप लोग दिस विल बी योर ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ यहां पर ब्रेक हो गया, आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर दे, नहीं तो इसको ज्वाइन करना ठीक नहीं, ब्रोकन ग्राफ बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। जहां पर ये बॉडी अर्थ को ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है उस जगह ग्राफ ब्रोकन होगा, क्योंकि वहां पर अप्रोक्सीमेट 0 ड्यूरेशन में, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में वो एक्शन हो जाता है,
इसको जूम करके देखना चाहें तो। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3.14, उसमें सिचुएशन समझो। एक बंदा है, अपने घर से पहले मार्केट जाता है, मार्केट 2.5 किलोमीटर दूर है, और जाते टाइम 5 की स्पीड से जाता है वो, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, तुरंत वापस लौट के आता है, ठीक है, और घर पे वापस आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कराया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो जब वो घर से चल के वापस घर पे आ जाता है तो डेफिनेटली उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू जीरो है, इसको ध्यान रखना। यहाँ बड़ा अजीब सा आपको लग सकता है कि वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब वो बंदा चला ही नहीं, रुका हुआ रहा क्या? तो पूरे पीरियड के, ओवर द पीरियड के टाइम, पूरे इंटरवल के लिए वेलोसिटी जीरो है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो है ही उसका, चल रहे हो तो। खैर, तो ये हो गया जर्नी ए बी ए के लिए, फ्रॉम ए टू बी टू रिटर्न टू ए, ठीक है, जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तीन टुकड़े हैं, थ्री पार्ट्स हैं उसके। फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला है 0 to 30 मिनट, तो पहले आप मार्केट पे जाने का टाइम पता करिए, कितना आया, 30 मिनट आ रहा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30 मिनट आ रहा है। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो आपको टाइम गिवन है, टाइम जो पूछा है, वो उस टाइम में 0 से 30 तक के टाइम में वो मार्केट पहुंच गया, तब एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आ रहा है जाने के लिए। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये जर्नी ए बी है, टाइम को देख करके, टाइम कैलकुलेट किया, टाइम कैलकुलेट किया, पता पड़ा 30 मिनट आया है, यानी कि 0 से 30 मिनट में वो मार्केट पहुंच गया, ठीक है, और जाते टाइम उसकी वेलोसिटी है 5, तो 5 आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ड्यूरेशन ऑफ द टाइम गिवन है 0 to 50 मिनट, तो देखते हैं कि वो 50 मिनट के एंड पर वो कहाँ पहुंच जाता है। आपको अभी तक तो इतना पता है कि यहां से यहां चला और 30 मिनट में वो मार्केट पहुंच गया, तो वापस आने में कितना टाइम लगता है, जर्नी बी ए, जर्नी बी से लेके ए तक का टाइम कितना आया, डिस्टेंस तो वही 2.5 किलोमीटर है, ठीक है, जितना घर से मार्केट उतना मार्केट से घर, और वापसी में उसकी स्पीड होती है 7.5 किलोमीटर पर आया, तो पता पड़ा कि 20 मिनट वापस आने में लगते हैं, यानी कि ये टी इक्वल टू 50 पर वापस आ जाता है, 0 to 30, और 30 में 20 और ऐड कर दिए, 50 मिनट पर ये वापस घर पे आ जाता है। यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन में जिस जर्नी की बात कर रहा है वो ए बी ए है, ठीक है ना। यहां पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करिए, टोटल डिस्टेंस जाने की 2.5, वापस आने की भी 2.5, और टोटल टाइम है 50, उसको आर में कन्वर्ट कर लिया और ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर एवरेज वर्क। तो इसकी एवरेज स्पीड है 6 किलोमीटर पर आर, जर्नी कौन सी, ए बी ए की, और एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही है, वो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए वेलोसिटी जीरो आ रही है, लेकिन ये स्पीड है, स्पीड तो जीरो नहीं है, स्पीड तो 2.5 + 2.5, 5 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है जाके वापस आने में। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम इंटरवल गिवन है 0 to 40, तो आप इसको देख करके और इस डायग्राम को देख के समझ गए कि जाने में टाइम लगा रहा है इसको 30 मिनट, तो अब और बाकी कितना टाइम और रह गया, 40 होने में 10 मिनट, 10 मिनट में ये पॉइंट सी पर आ गया, बी से सी पर ये 10 मिनट में आया, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, क्या स्पीड से आया वापसी में, 7.5,
टाइम कितना लगा इसको, 1/6 आवर, 10 मिनट, 40 - 30, यहाँ से आने का टाइम कितना है, 10 मिनट, यानी कि 1/6 आवर। तो स्पीड और टाइम से आपने ये पता कर लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, 1.25 किलोमीटर, ठीक है। अब आपके पास में जर्नी ए बी सी का डिस्टेंस पता है, जाने का 2.5 और वापस आने का 1.25, टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया, और टोटल टाइम टेकन है 40 मिनट, इसको आर में कन्वर्ट कर लिया और आ गया 45/8 किलोमीटर पर आ। दैट्स ऑल। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। चलते चलते एक ज़रूरी बात कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।